जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। दोस्तों कैसे हो, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ अभी गोवर्धन, जो मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की, वो पूरी करने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। गोवर्धन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था। तो चलिए आज की इस पवित्र वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी दिखाना है। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना रहती है और अभी हम परिक्रमा पथ पर निकल चुके हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरी परिक्रमा आपको दिखाते हैं, रास्ते में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। दोस्तों ये गोवर्धन पर्वत है, इस तरफ ये पूरा जो इलाका है ये गोवर्धन पर्वत है, वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है और ये गोवर्धन पर्वत जो है ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की पूरी होती है। बीच में है ये गोवर्धन पर्वत और इसके चारों ओर जो है वो पूरी परिक्रमा होती है। परिक्रमा अंतिम पड़ाव 20 किलोमीटर। बड़ी परिक्रमा संपन्न 1.1 किलोमीटर शेष 9.9 किलोमीटर यहाँ से और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम जो भी परिक्रमा दे रहे हैं वो गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल पास है। ये गोवर्धन पर्वत है
और हम अंदर से परिक्रमा दे रहे हैं। अंदर जो रास्ता है वो कच्चा है और बाहर पक्की सड़क है और हम अंदर से परिक्रमा दे रहे हैं। ये देखिए इस तरफ गोवर्धन पर्वत। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है वो ये पर्वत है और यहाँ पर हम अब राजस्थान के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा है। ये देखिए ये बोर्ड देखिए, ये वन विभाग का एरिया है पूरा और इस तरफ गोवर्धन पर्वत। दोस्तों अब हम राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो गोवर्धन पर्वत का इलाका आता है ये राजस्थान की सीमा के अंदर भी आता है। दोस्तों ये जो रास्ता आता है ये यूपी की तरफ से आता है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है और ये अभी हम राजस्थान के अंदर हैं और यहाँ से ये जो रास्ता है ये कुम जाता है परिक्रमा का मार्ग। तो चलिए परिक्रमा को चालू रख। बड़ी परिक्रमा समाप्त है, छोटी परिक्रमा प्रारंभ। छोटी परिक्रमा 500 मीटर दूरी, ये बोर्ड लगा हुआ है।
दोस्तों यहाँ पर लिखा है बड़ी परिक्रमा संपन्न। यहाँ पर हमारी आगे देखो जान जान